भगवान, मैंने इसी के छोटे भाई का कत्ल करवा दिया। ये भगवान आज अपने को अपना पुकार रहा है। बाबा आप मेरे साथ हवेली चलिए, आपका इलाज मैं कराऊंगा। बाबा नहीं बेटा, वहां मत जाओ, वहां जाओगे तुम्हारी बड़ी माँ तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। बाबा मुझे कुछ नहीं होगा, बाबा मुझे कुछ नहीं होगा, आप मेरे साथ चलिए, आपका इलाज कराना है ना भैया। भारी आपका इलाज भैया हो सुघर नाती पाई गया है, कुछ नहीं कहता है, जोन कहता है वो कह कहा करा भैया हो। हाँ नाती नादान बाब भैया तो से नादान नहीं ना समझदार है, चले नहीं पावत ही। हाँ ऐसे बैठ जाता है कंधों पर बैठ जाए पहुंचा देते हवेली भैया। उस समय भूल गया है कहा तही करे है जो कर्म होगा हम का करिया के तहाय पाप हम थोड़ी ढोए पाओ, अपन पाप तो खुद ढोवा हो सका तह कल्याण हो जाए। घर ये घर मालिक कंपनी मालिक अशोक कुमार के माताजी की तरफ से ये सीन कर आप देखते हुए 11 रुपए का पुरस्कार पार्टी की तरफ से हार्दिक स्वागत, धन्यवाद। माता जी के आशीर्वाद का आकांक्षी हूँ। बाबा आपकी चलने की शक्ति नहीं है तो आपका नाती जिंदाबाद है, आपको मैं कंधे पर ले चलूंगा। बाबा अरे मालिक आज ये नादान बच्चा मुझे लेके जा रहा है, भगवान मेरी रक्षा मत करना लेकिन इस बच्चे की रक्षा करना। मैंने अपने संसार में अपने ही परिवार में सब कुछ खो चुका हूँ। बाबा आप मेरे साथ हवेली चलिए। दीवाना आदमी को बनाती है रोटियां, 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 बनाती है रोटियां। खुद नाचती है, खुद नाचती है, सबको नचाती है रोटियां। समय आन के खराब हो गया बच्चा, परसपुर वाले बच्चा खूब फोटो खींचता है खड़े खड़े। अरे सब दिन हो चला एक समाना, सब दिन हो एक समाना भैया, एक समाना
लाखों आशिक मर जाते हैं मेरी एक मुस्कान पे। वाह बड़ी माँ, फिल्मी दुनिया में जा रही हो। रुकिए बाबा जी, मुझे बतला बड़ी माँ, मुझे पैसा दीजिए, बाबा जी का इलाज कराना है। कस पैसा? इसमें आधा मेरा हक है। कौन आधा हिस्सा? एमा जी हाँ। सारी जायदाद का मालकिन कल जुगा ही दे भी है। अगर तोके नहीं विश्वास है ना, अगर तोके नहीं विश्वास है ना, तब पूछे कोढ़ी से। पूछ ए कोढ़ी। चढ़ा रहे ने, तब दूसर बात रहे। अरे ननकू दास के तमाम अपन सारे तू ख्याल करा समय के देव देवीदास पुरवा सारी जायदाद का मालकिन के हरे आप आप सारी जायदाद के मालकिन कल जुगही देवी तो बड़ी माँ, इसमें मेरा आधा हिस्सा चाहिए, आप दे रही या नहीं? शिवामुआ कान खोल के सुन ले रे, सारी जायदाद की मलकिन मैं हूँ और तुझे फूटी कौड़ी नहीं दूंगी। तेरी भलाई इसी में है कि चुपचाप अपना मनहूस चेहरा लेकर यहाँ से चला जाए। आधा इससे नहीं मिलेगा फिर तो खा सकती नहीं कमीनी तू हिस्सा मेरा, आधा हिस्सा मेरा दे अभी तू बताए। मेरे भाई का खून है तुमने किया, आज तेरे ही खून से ना किस्सा खत्म, ना रहेगा बास और ना बजेगी बासरी, बेहतर भी होगा। तो मरने के लिए तैयार हो जा हरामजादे। ओ बस खबरदार, तलवार चलाना नहीं। गोली हमारी कौन है तू बता, रोकने वाला मुझे कौन है तू बता, रोकने वाला मुझे जा चला जा इसी में, तेरा भला और मेरे परिवार का मामला है। मेरे परिवार का मामला है यहाँ, जा चला जा इसी में तेरा। अरे हरामजादे चोटा सुन तेरे कही के, अरे मर गए कल जुगही देवी को मारने वाले। तुम जैसे चोर डाकुओं की औकात ये कल जुगही देवी अच्छी तरह से जानती है। अच्छा हाँ, चंद रुपए के लिए जंगल जंगल भटकते रहते हैं। बोल कितना दे सकती हैं? कितना लेगा रे? कितना दे सकती हैं? लाख, दो लाख, तीन लाख, चार लाख, और आगे पांच लाख, और आगे छह लाख, और आगे सात आठ नौ, और आगे दस। बस अब मुंह मत खोलना, दस के आगे फूट पड़ी है। दस के आगे बस
इनके परिवार का मैटर है। डाकू साहब सब इनके बाप कमाहिया। इनके बाप का नाम क्या है? इनके बाप का? हाँ आप नहीं जानते? अगर मैं जानता तो आपसे पूछता क्यों? इसके बाप का नाम क्या है? गंगा प्रसाद, जमुना प्रसाद। खबरदार जमुना प्रसाद, जमुना प्रसाद गलत नाम लेते फिर मारी। तो मैडम ये तुम्हारे परिवार का मैटर है। अच्छा महारानी गाय मैंने कहा चोर डाकू आए के बिना मतलब भाई बना बना में हमारा काम आगे चौपर करे याद रुपया पैसा। अरे अरे हम बिना फालतू परेशान होती आई आई दूसर क्यों हो तो भला वह तो हम कहीं तही कही अवधिया सुनत यही पहचान में आवत यही तो दूसर क्यों नहीं। अरे तू तो हमारे भातार है रा हराम जादी बेहया बेश्रम। अरे तुझसे तो बेहतर वो औरत होती है जिन्हें लोग बेसे या रंडी कहते हैं लेकिन वो भी बेचारी अपने पेट पालने के लिए पर्दे के आड़ में वो धंधा करती है। लेकिन तूने तो पूरे जगापुर का नाम रोशन कर। चैनरदार मुहार नहीं ना जहां गुतरबू क्या वाह वाह तुम्हें तो बाप कहने में मुझे शर्म आती है। तूने जैसा कर्म किया भगवान ने अच्छा नीक नीक गप कानू कानू थू का कारण वाह जिस करनी तिस भोगों ताता नरक जात का ही पछताता। आपने ऐसा कर्म किया कि आपको भगवान ने सजा दे दिया। नहीं बेटा मैं तुम्हारे सामने सर उठाने के काबिल नहीं हूं क्योंकि मैंने तुम्हारा गला काटा है। मैं तुम्हारे सामने सर उठाने के काबिल नहीं हूं। पिताजी अगर यही बात आपने पहले सोचा होता तो क्या होता है? लेकिन आज एक कहावत कही गई है सब कुछ लुटा कर होश में आए तो क्या किया, दिन में अगर चिराग जलाए तो क्या किया। सब कुछ तो आपका खो चुका है, आपने खो दिया है। लिखा परदेश किस्मत में वतन की याद क्या करना, जहां हम जैसे बेदर्द हाकिम हो वहां फरियाद क्या करना। जानते हो आप दोनों ने मिलकर माँ पार्वती का खून किया, इल्जाम मेरे ऊपर लगाया। सच है और आज मैं कानून की नजरों में एक खूनी हूं। खूनी हो बागी हो और आज इधर आइए जरा इसे पहचान। Thank you.
ये देख रही है कि मैंने तो इसकी आंखें फोड़वा दिया था, लेकिन ये देख कैसे रहा है? अरे मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। होनी तो होकर रहे, अनहोनी ना हो, और जाको राखे ओ साइया मार सके ना कोई। संतोष मेरा सख्त आदेश है, मेरा सख्त आदेश है, इसने कहा था मेरे जिस्म की गर्मी बुझा दो। मैंने जब उनके पास आया था तो कहा भाभी माँ मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। किसने क्या कहा था? क्या कहा था? ये कही थी मुझे बहुत जोरों से प्यास लगी है। जब मैंने पानी लाया तो कहा मैं ये पानी नहीं पीऊंगी। अच्छा, उसके बाद कहा मैं तो जिस्म का पान। इसका मतलब इनकी प्यास भी। हाँ भैया, तो मेरा आदेश है मेरा आदेश है इसके जिस्म की गर्मी ठंडी कर दो। संतोष मेरे नियम मेरे असूलों का पालन करो। ठीक है भैया। देखा छटकाओ क्योंकि कहे मैं आया जी। अच्छा देखा भैया हो छोट देवर बेटवा समान हो थी मान लिया कहा दे नहीं कि मेहरारू की निकुरा न हो तो का खाए उससे हमारी के समझ ले। कोई तुम्हारी फरियाद सुनने के लिए नहीं आएगा। देखिए हमारे पास टाइम नहीं है। बेटवा का कहीं मेहरारू के नाक न हो तो काज नहीं का खाए उका सब समझे तरह के मेहरारू हो तब खाए ना। हाँ संतोष सब कहे बदनाम करती हैं। हरी राम इधर आओ भैया। कुछ कहना चाहते हो? हाँ भैया कहा चाहे था शौक से कहो। ए हमसे कहीं कि तोहरे जमीन कितना है हरी राम? तो क्या बताया? हम कहे मेरे कुछ नहीं ना। अच्छा किया बेटा। हम इस सब बात छोड़ा भैया जो जन कहे यहाँ ठीक है यार। उनका कहने की हम कुछ बतला इनसे। अच्छा वह भाग इसका मतलब तुझे तिरिया चरित में फंसाना चाह रही थी। हम का फंसावत रही कहाँ भाग की जाई हैं उनका लेके यहाँ से लेके जनक तिवारी पर्वत तक खदेड़ की मारा हूँ कहाँ जाई है बात। संतोष भैया मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम्हारे पास 5 बीघा जमीन है। सब कुछ है भैया लेकिन इसका पीछा करो। चलो चलो इसको ले चलो चलिए। सावित्री को लाया जाए आज उसकी फांसी है। मैडम रीना सावित्री को पेश किया जाए। क्या कर रहे हो? सावित्री 1 हफ्ते हो गए आए ना तो तुम्हारे मायके से कोई आया और ना ससुराल से। आज तुम्हारी फांसी है। साहब जी बोलो ना तो मेरे ससुराल में कोई है और ना ही मेरे मायके में है। तुम्हारा एक छोटा सा बेटा जिसका नाम शिवम है वो कहाँ आ पाएगा? मुझे फांसी दे दीजिए। ठीक है तो फांसी देने के लिए मैं तैयार हूँ।
लगाओ फांसी मेरे तीन कहने से, मेरे तीन कहने से फांसी का फंदा टाइट हो जाना चाहिए। टाइट करो, मैं तीन बोलने चल रहा हूँ। नंबर एक और ये नंबर दो, जय हिंद सर। आपने शायद पहचान लिया होगा, हवालदार पहचान रहे उसे। भागा हुआ मुजरिम कभी वापस आता है? आया है तो कुछ लेकर आया है। क्या लेके आए हो और कुछ लेकर यहाँ से जाएगा? क्या लेके आए हो और क्या लेके जाओगे? कानून की नजरों में मैं दोषी हूँ। हाँ, कि मैंने अपनी सौतेली माँ का खून किया, यही ना सर? हाँ, और जिसकी फांसी होने वाली थी ये मेरे छोटे भाई की पत्नी है। ठीक। इसके ऊपर ये इल्जाम है कि इसने अपने दुधमुहे बच्चे का खून करके उसका खून पी लिया। हाँ, यही ना साहब? आज हमारे पास दो ऐसे सबूत हैं कि अभी दूध का दूध और पानी का पानी दोनों अलग हो जाएगा। कौन सा सबूत लेके आए हो? पहली सबूत, ये सारी जो भैंस बैठी है, और दूसरी सबूत वह जो कोढ़ी भाग खड़ा है, इनसे जानकारी ली जाए। जितना पूछो उतना बताओ साहब। बोलो, सच बोलूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूं। बस यही मैं चाहता हूँ कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निपट लूं। ये बताओ, पार्वती का खून किसने किया था? साहेब, हाँ, ये कोढ़ीवा जगन्नाथवा करी। ये जगन्नाथवा कौन है? कौन है जगन्नाथवा? हमारे ससुर है। ओ, नाती हो, नाती हाथ दिखाई दे रहे हो, इधर आओ, तभी तो दिखाई दे रहे हो। ये बताओ, पार्वती का खून किसने किया? पार्वती खून, चुप। मर जाएगा साहब। मैं पूछ रहा हूँ, पार्वती का खून किसने किया? कहे बताया आपने? मैंने किया साहब। तुमने किया? क्यों किया साहब? हम झूठ नहीं बोलेंगे साहब। बोल। क्योंकि हमारा एक पैर नहीं, अब दोनों पैर मेरे कब्र में हैं। वो तो देख रहा हूँ। और मेरे संसार, मेरे दुनिया में कोई नहीं है। अच्छा, कोई नहीं है? ये कौन है? ये सामने, ये कौन है? अरे भाई, इसके लिए आज मैं बदबू मार रहा हूँ। अच्छा, मैं दुर्गंध बन चुका हूँ। वो तो मैं देख रहा हूँ। कभी इसी के तो फंदे में आकर साहब, हाँ, कभी निकाह है कि ससुर का जोश बहू की जवानी, तो? इसी के फंदे में आकर मैंने पार्वती की कहानी को खत्म कर दिया। इसी के कहने से? इसी के कहने पर पार्वती को खत्म कर दिया। जी हाँ। पीछे रुको, रुको, पहले इधर आओ, इधर उधर। ये बता, सावित्री के पांच दिन के मासूम बच्चे का खून किसने किया? सावित्री के पांच दिन के बच्चे की बलि मैंने चढ़ाया। तुमने चढ़ाया? क्योंकि इसके बच्चा नहीं पैदा होता था। अच्छा, तो ये कोई सुंदर ओझा है। ओ, उसने बताया, उस बच्चे को छीन करके इसकी गोद में डाला और यही हराम जादी उसका बल चढ़ा दिया। सूखे पेड़ में, इधर आओ, इधर आओ। हाय मैडम रीना, क्या कर रही हो? मारे स्तर अंडी,
ये थाना है, कोई कबड़िया खाना नहीं है। हमारे लोग के सामने आज क्या ही को गाली, रहने दो, निपट लेगी रीना मैडम खुद ही। साहब सुतरी की फैक्ट्री पकड़, हे इधर आओ। सावित्री के बच्चे का खून तुमने किया? हाँ साहब। क्यों किया? औलाद पैदा हुए खाती। कितने औलाद पैदा किया? तो औलाद नहीं पैदा भाई साहब। ये कौन नहीं पैदा हुई? बताई साहब, वो कहूँ छिन्नी के डेरा मारी सुंदरवा का नाश होए माटी देव ने कहे, वो कहे माटी देव का नाश होए कही के तोहरे भूत खेला तहा है। अच्छा हाँ, कहने की दूध दात के भैंसा चाहिए, एक ही काला कम्बल चाहिए, एक किलो उरीद चाहिए, एक किलो काला तिल। हाँ हर जाई, हाँ अरे कठित पैदा करे हो तो जंतु दर्द पीड़ा का हो सर अंडा, जवान को छोड़ के बुढ़ाऊ के भज गौ सब हो तोरे नहीं पैदा भैन। जाओ नहीं घर मालिक ना टंकी के वाले के हो जाओ खड़ा होकर तो तोरे चाटी पैदा हो ही जा। सूखे पेड़ में कभी फल नहीं लगते हैं, तुम जानते हो साहब। बोलो, अब आप ये बताइए कि कानून की नजरों में मैं क्या हूँ? निर्दोष हो। और कानून की नजरों में मेरी देख रहे हो, थाने में आकर ऐसी हरकत कर रही है। उसे दो। आप बताइए साहब कि कानून की नजरों में मेरी अनुज बधु क्या है? वो भी निर्दोष है। तो साहब जब हम सब निर्दोष हैं तो हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। क्या रिक्वेस्ट करना चाहते हैं? रिक्वेस्ट हमारी यही है साहब कि इन दोनों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए जो कि आज तक हिंदुस्तान के अंदर किसी को मिली नहीं हो। मिलेगी, बस मिलेगी ऐसी सजा इसे। हाँ हाँ मिलेगी ऐसी सजा हमका दया साहब। देखा भैया, अरे देख ला, हमें पता नहीं मेरे दिमाग का क्या है ग्रहण, लेकिन हमार मन इतना सुधर देखा, बहुत सुंदर है तुम्हारा आदमी। हमारे बड़े कितना परेशान होता है, कहता है ऐसी सजा दिया कि इनका कतो तकलीफ न हो। सही साहेब, ऐसी सजा दिया साहेब जहाँ खो बोकरा मुर्गा खाए के मिले साहेब। मिलेगा तुझे मीट खाने को मिलेगा, लेकिन मुख से नहीं नाक सिखाओगी। बता रहा हूँ मैडम रीना हवलदार, बोलो बोल, तुम क्या कहना चाहते हो? तुम ही बोल दे। अबे नवा पूर्वक बगिया में काल, अबे का काजनी कितना खाई है? क्या पेट नहीं भरा? क्या खाई मुर्दा? अरे कोढ़ी में क्या करूं, नहीं तो तुम्हारा लगा दो हथकड़ी, एक एक ही हथकड़ी में दोनों को बांधो। क्यों? अरे तुझे मीट पसंद है ना, मुर्गा खाओगी? मुर्गा नहीं इसे बुढ़े की, ये बुढ़ा जो सर रहा है ये सरेगा और तुम इसी नाक से इसकी सुगंध ले लेकर तुम ही मर जाएगी। ले जाओ, मर जाओ, ले जाओ, घसीटते हुए ले जाओ। वाकई में साहब आपने ऐसी सजा सुनाया, काबिली तारीफ है। क्यों नहीं? ये साला कोढ़ी कट कट के चू रहा है, बदबू मार रहा है, इसकी दुर्गंध से वो भी मर जाएगी, ये भी सारा तो मर जाएगा। यहीं से संगीत का समापन हो रहा है। हाँ प्रिय दर्शकों, आज की रात इस पार्टी का प्रोग्राम मकई पुर कांसा के पास है।